नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय रेल से आ रही है। जी हां, जो कि 207 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला लिया गया है। आखिर ये 207 ट्रेनें कब से कब तक रद्द रहेंगी और किन किन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है और क्यों किया गया है, क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का असर अब रेलवे यातायात पर भी पड़ने लगा है। रेलवे की ओर से ये बयान जारी करते हुए कहा गया कि G20 शिखर सम्मेलन के चलते रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहने वाली है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सम्मेलन के चलते कुछ ट्रेनों को अस्थायी और आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किए गए हैं। आपको बता दें, ट्रेनों के संचालन में यह परिवर्तन 9 सितंबर और 10 सितंबर को रहने वाला है। कुल 207 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, जिसमें सिरसा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली, जलंधर सिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं और लगभग 20 ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया गया है। जिन ट्रेनों में बदलाव किया गया है, उन ट्रेनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं, जबकि 60 ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव भी बढ़ाया गया है और लगभग 6 ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें मथुरा गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन गाजियाबाद और कई ट्रेनें शामिल हैं, जबकि 20 ट्रेनें निर्धारित रेलवे स्टेशन से पहले ही अपनी यात्रा समाप्त कर लेंगी। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आ रही थी, जी हां, दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने 9 सितंबर और 10 सितंबर को रद्द कर रखा है। अगर आप भी ट्रेनों से सफ़र करते हैं तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।